दिल्ली जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पटना सीएम हाउस में हुई बैठक को बेहद अहम बताया। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में विपक्ष जनता को विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है, क्योंकि बिहार में इन दिनों जातिगत राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई हो या फिर भारत के विकास की बात, कभी भी जाति धर्म को नहीं जोड़ा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती दे, ताकि विकास को रफ्तार मिले। कि जो भी लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो लोग भी इसमें अपनी भागीदारी ता दिखा रहे हैं, सभी लोग प्रदेश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इसलिए कि बिहार विकास प्रदेश है, वहाँ विकास पुरुष है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जाति कहीं कोई चीज होती है क्या? अगर जाति होती तो उस दिन जब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा था, वो तो एक दलित समाज से आते थे। पॉलिटिकल स्टंट है और मुद्दे भटकाने वाली चीज है, इससे अधिक मैं